आलो इसके ना जी निकल जाते हैं कभी कभी, और गैस के गोले टैप बन जाते हैं भाई साहब। ध्यान से कहीं फिर से ना निकल जाए। महाराज मैं जर्मन बोल रहा हूँ। साला रख दिया तो भी बात कर। ठक टिकी ठक टिकी ठक वा। ये सामने क्या लिखा है? वेलकम बैक, मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं साइकिक व्यू। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ गुड न्यूज, लाइक गुड न्यूज का रिव्यू। सो द मूवी स्टार्स अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, कियारा अडवाणी एंड दलजीत दोसांझ। मूवी को डायरेक्ट किया है राज मेहता ने, हु इज द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर एंड इट शोज इन द मूवी। हमें रिफंड मिलेगा? बेसिकली द मूवी इज अबाउट टू कपल्स हु वांट टू बी पेरेंट्स एंड अनफॉर्चुनेटली एक मिक्सअप हो जाता है जिसकी वजह से उनकी लाइफ क्रॉस करती है। इन्होंने मेरा स्पर्म इनके वहां भेज दिया और आपका स्पर्म या इनके अंदर, मतलब हमारा फायदा मिक्स हो गया है। ये दो लाइन की स्टोरी सुन के ही अक्षय कुमार ने मूवी के लिए हाँ बोला था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आगे की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, या तो फिर उसको हाउसफुल 4 से कंपेयर कर दिया, और हाउसफुल 4 से अगर कंपेयर करेंगे तो डॉक्टर मुझे एनेस्थीसिया दे दीजिए, मैं बेहोश होना चाहता हूँ। बिकॉज़ द स्टोरी इज वेरी वेरी वीक। आप सोच के जाते हो मूवी थिएटर में कि ये कॉमेडी मूवी है, लेकिन इट एंड्स अप इनटू बिकमिंग अ ड्रामा एंड समटाइम्स प्रीची, एंड द कैरेक्टर्स आरंट डेवलप्ड फॉर दैट। इनफैक्ट मूवी में जितने भी जोक्स थे वो सारे ट्रेलर में डाल दिए, एंड फिर डायरेक्टर को रियलाइज हुआ अरे यार दो चार जोक्स बच गए, इसके लिए उन्होंने सेकंड ट्रेलर बना दिया। इसके लिए अगर आपको ये मूवी नहीं देखनी तो दोनों ट्रेलर देख लो, उतने ही जोक्स है, उसके अलावा कुछ नहीं है मूवी में। हमारा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा है। लेकिन बच्चे में स्पैम तो मेरा ना जी। ऐसे तो इनके बच्चे में स्पैम मेरा है। ऐसे कैसे, एग तो मेरा ही है ना जी, तो इसमें एग मेरा ही है। नहीं स्पैम तो मेरा ना जी। ओए एग स्पैम, एग स्पैम, पागल तो नहीं हो तुम लोग? एक्चुअली द मूवी डील्स विद अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द ऑब्सेशन सम पीपल हैव ऑफ हैविंग देयर ओन चाइल्ड। और ये डायलॉग कि अपना खून तो अपना होता है इज थ्रोन इनटू द मूवी अ कपल ऑफ टाइम्स, व्हिच मेक्स अ मॉकरी ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन। या जो लोग बच्चा नहीं पैदा करना चाहते, या तो सोसाइटी का जो प्रेशर है ऑन द न्यूली वेड्स कि यार बच्चा पैदा करो बच्चा पैदा करो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको एड्रेस किया जा सकता था। बट बिकॉज द मूवी थॉट के इट इज़ अ कॉमेडी मूवी, इट कैन डू एनीथिंग, ये सारी चीज़ें साइडलाइन पे चली। स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी में दो इगोइस्टिक मेल कैरेक्टर्स बताए हैं, और पूरा मूवी उनका जो ईगो है उसको सरप्राइज करने में ही लगा पड़ा है। बिकॉज दोनों नहीं मानना चाहते कि उनके बीवी के पेट में जो बच्चा है वो उनका है, इंस्टेंट उनका पूरा फोकस है ऑन देयर ओन स्पर्म जो किसी और की औरत के पेट में पल रहा है। अपना बच्चा तो नहीं गिराने दे सकते उन्हें। कौन? इसके पिताजी? ऐसे मर्द को है ना घर से लात मार के बाहर निकालना चाहिए पहली तो। लेकिन ये मूवी है इसके लिए करीना कपूर खान को एक मोनोलॉग दिया गया है विच एक्चुअली ट्राइज टू एक्सप्लेन वॉट अ वुमन गोज थ्रू ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। इवन दो वो मोनोलॉग की हर एक बात सच थी, इट फॉल शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग यू। एंड में मूवी थोड़ी सी सीरियस हो जाती है एंड इट जस्ट एंड्स अब्रप्टली, लाइक बाद में क्या होता है किसी को नहीं पता। एक्टिंग की बात की जाए तो अक्षय कुमार इज एज ऑलवेज गुड। करीना कपूर और कियारा को जितना काम दिया है दे हैव डन इट ब्रिलियंटली। बट द शो स्टॉपर इज दलजीत दोसांझ। इवन व्हेन वो अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ही इज ऑसम एंड स्टील्स द शो एवरी टाइम। ऑल इन ऑल अगर गाने एक दो कम होते और स्टोरी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान होता तो मूवी देखने में और मज़ा आता। अकॉर्डिंग टू मी इट्स एन एवरेज मूवी, लेकिन जब कंपेरिजन में भाई की मूवी हो तो कोई भी मूवी अच्छी लगती है। और वैसे भी ये मूवी 100 करोड़ तो कमाने ही वाली है, तो उठिए जाइए और आपकी तरफ से अपना चंदा देके आइए मूवी के लिए, बिकॉज इट्स फेस्टिव सीजन और लोगों के पास और कुछ काम नहीं है। शेम ऑन अस। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और लोगों के साथ। और मैं आपको अभी अगले साल मिलता हूँ, अगले साल न्यू ईयर्स। एंड वन थिंग ये मूवी जो आपको सिखाएगी इज हर एक वर्ड के आगे जी लगाने का है। थैंक यू जी, गुड बाय जी, वेलकम जी, पीस आउट जी।